चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स के दयावान महारानी और गुलाम राजा। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। संध्या का समय था। रावल नगर राज्य के राजा अचल सिंह रेशमा बंजारीन के साथ अपने महल के बाहर रथ से नीचे उतरे। पहरेदार, महल में जाकर महारानी पद्मावती से कहो कि हम नई रानी ब्याह कर लाए हैं। राशि परंपरा के अनुसार वे आरती का थाल सजाकर नई रानी का स्वागत करने शीघ्र यहाँ आए। जो आज्ञा महाराज। आदेश पाकर पहरेदार तुरंत ही महारानी पद्मावती को सूचना देने महल में चला गया। तैब्बत वासा महारानी पद्मावती के पास पहुंचा। क्या बात है धनसिंह, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? महारानी जी, बात ही कुछ ऐसी है महाराज, नई रानी ब्याह कर लाए हैं। महारानी प्रजा से गाज गिरी। क्या यह सब कैसे हुआ? महाराज तो सुबह नीलवन में आखेट खेलने गए थे। महारानी जी, मैं इस विषय में भला क्या बता सकता हूँ? मुझे तो महाराज ने आपके पास यह सूचना देने भेजा है कि राजसी परंपरा के अनुसार आप आरती का थाल सजाकर नई रानी का स्वागत करने महल के द्वार पर शीघ्र पहुंच जाए। वो तो अब मुझे स्वतन का आरता करना पड़ेगा। महारानी जी, मुझे तो नई रानी कोई बंजारन लगती है। पद्मावती ने यह सुन ठंडी सांस की थी। धान सिंह, नई रानी बंजारन हो या कोई और, राशि परंपरा का निर्वाह तो हमें करना ही होगा। तो क्या महारानी जी आप नई रानी का स्वागत करने चल रही हैं? हाँ दामसिंह, इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। डूबे दिल से महारानी पद्मावती ने आरती का थाल सजाया और पहरेदार के साथ चल दी। महाराज को दूसरे विवाह की क्या सूझी? इधर मैं गर्भवती हूँ, उधर महाराज ने दूसरा ब्याह रचा लिया है, अब क्या होगा? महारानी पहरेदार के साथ महल के बाहर पहुंची। तो यह है वह नागिन जिसने मेरे स्वागत पर डाका डाला है। पद्मावती ने दिल कड़ा करके जैसे तैसे नई रानी वह राजा अचल सिंह का आरता किया। तत्पश्चात, आओ बहन, रावल नगर के राजमहल में तुम्हारा स्वागत है। नई रानी रेशमा ने विजयी मुद्रा से पद्मावती की ओर देखा। तत्पश्चात अचल सिंह के साथ महल में प्रवेश किया। राजा अचल सिंह के दूसरे विवाह के उपलक्ष्य में रावल नगर राज्य को दुल्हन की तरह सजाया गया। सारे राज्य में दीप मालिका की गई। दूसरी ओर महारानी पद्मावती के दिल में घटा तो अंधेरा छाया हुआ था। वह सोच रही थी, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो महाराज ने दूसरा ब्याह रचाया है? दूसरी ओर अचल सिंह रेशमा से कह रहा था, रानी रेशमा, राज परिवार की परंपरा के अनुसार दूल्हा अपनी वधु को विवाह उपरांत प्रथम मुलाकात में मुंह दिखाई देता है, हमें भी वह रस्म निभानी है। बताओ रानी, तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? महाराज, मैं जो मुंह दिखाई मांगूंगी क्या वह मुझे मिलेगी? हाँ रानी, तुम्हें मुंह मांगे मुंह दिखाई मिलेगी, तुम मांगो तो सही। तो सुनिए महाराज, मैं मुंह दिखाई में यह मांगती हूँ कि आप प्रतिदिन मेरे सामने महारानी पद्मावती की नाक की नथ में से तीर निकाला कीजिए। रानी, यह तुमने कैसे विचित्र मुंह दिखाई मांगी है? महाराज, मुझे जो मुंह दिखाई मांगनी थी मांग ली, अब यह आपके ऊपर है कि आप मुझे वह मुंह दिखाई दे या न दे। हो रानी, तुमने तो हमें बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। माना कि मेरा निशान अचूक है, मैं महारानी की नथ में से बेक ठके तीर निकाल सकता हूँ, पर प्रतिदिन ऐसा करना तो महारानी का अपमान होगा। सोच लीजिए महाराज, अच्छी तरह सोच लीजिए। तब अचल सिंह सोच में पड़ गया। अगर मैं रेशमा की बात नहीं मानता हूँ तो इससे मेरे दिए वचन का वजन हल्का अगर मैं रेशमा की बात नहीं मानता हूँ तो इससे मेरे दिए वचन का वजन हल्का होगा। यदि वचन निभाता हूँ तो महारानी पद्मावती का अपमान होगा। मैं बुरी तरह पशुपेश में पड़ गया। अंत में रेशमा की विजय हुई। अचल सिंह उससे मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है रानी, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम प्रतिदिन महारानी की नाक की नथ में से आर पार तीर निकाला करेंगे। मुझे यह सुनकर खुशी हुई, महाराज जाइए इसी समय महारानी के पास जाकर अपना दिया वचन निभाइए। अब अचल सिंह चौंका, इस समय रानी, इस समय तो रात्रि है। महाराज, किसी भी नेक काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। आपको इसी समय महारानी को सब यहाँ बुलाकर लाना होगा और उनकी नथ के आर पार तीर निकालना होगा। ठीक है रेशमा, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही, मैं महारानी के पास जाता हूँ। अचल सिंह उसी समय महारानी पद्मावती के कक्ष की ओर चल दिया। यह देख रेशमा खुश हो गई, मेरी चाल सफल हुई। अचल सिंह कितने भी सफल तीर दंडा क्यों न हो, पर कभी न कभी तो उनका हाथ बहकेगा, तब तीर नथ के आर पार न निकलकर महारानी के चेहरे में धस जाएगा और इस प्रकार महारानी का काटा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। दूसरी ओर जब अचल सिंह महारानी पद्मावती के कक्ष में पहुंचा, महाराज आप इस समय यहाँ?
इस समय तो आपको नई रानी के पास होना चाहिए था। महारानी, कुछ ऐसा काम आ पड़ा है जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। ऐसा क्या काम आ पड़ा महाराज? महारानी, हमसे ज्यादा प्रसन्न है करो, जल्दी से अपनी नाक में अपनी राजसी नथ पहनकर मेरे साथ रानी रेशमा के पास चलो। यशवंत पद्मावती चौकी। महाराज, मैं रानी रेशमा के कक्ष में राजसी नथ पहनकर चलूं? लेकिन क्यों महाराज, मैं वहां जाकर क्या करूंगे? महारानी, हमारी आन का सवाल है। रानी रेशमा ने हमसे मुंह दिखाई में ऐसी वस्तु मांगी है जिसे तुम ही हमें दे सकती हो। फिर अचल सिंह ने पद्मावती को विस्तार पूर्वक रेशमा की विचित्र सर्प के बारे में बताया। अचल सिंह से सारी बात जानकर, महाराज, रानी रेशमा के लिए आपने मेरा मान सम्मान तक दांव पर लगा दिया। रानी रेशमा को वचन देते समय क्या आपने मेरे मान अपमान के बारे में तनिक भी नहीं सोचा महाराज? महारानी, मैं तो अब उस घड़ी को कोस रहा हूँ जिस घड़ी में बंधारण रेशमा से वन में मेरी प्रथम मुलाकात हुई थी, और यह मेरी चारित्रिक कमजोरी थी जो रेशमा को देखते मैं उसके रूप पर मोहित होकर उससे प्रणय निवेदन कर उससे वन में ही गंधर्व विवाह कर बैठा। अब मुझे अपनी भूल का भास हो रहा है। महारानी, खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तुम ही मेरे दिए वचन की लाज रख सकती हो। महाराज, आपके लिए तो मैं जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मैं अभी आपके साथ नथ पहनकर रानी रेशमा के पास चलती हूँ। पद्मावती ने उसी समय दर्पण के सामने बैठकर नाक में राशि नथ पहनी। तत्पश्चात, चलिए महाराज, मैं नथ पहनकर तैयार हो गई हूँ, चलो महारानी। अचल सिंह के साथ जब महारानी पद्मावती रेशमा के कक्ष में पहुंची तो वह मुस्कुराती हुई पद्मावती से बोली, आइए महारानी जी, रानी रेशमा के कक्ष में आपका स्वागत है। पद्मावती ने रेशमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुड़कर अचल सिंह से बोली, महाराज, धनुष बाण उठाइए और मेरी नथ में से तीर आर पार निकालिए। अचल सिंह ने बूझे मन से तीर कमान उठाया और निशाना साध कर तीर छोड़ा। भगवान, महारानी की रक्षा करना, तीर इधर उधर न जाकर महारानी की नथ के बीच में से ही निकले। तीर सर्राता हुआ पद्मावती की नथ में घुसा और अगले पल नथ के दूसरी ओर निकल गया। यह देख अचल सिंह ने चैन की सांस ली। अब अचल सिंह ने पद्मावती से कहा, चलो महारानी, तुम्हें तुम्हारे कष्ट कक्ष तक छोड़ा हूं। चलिए महाराज। अचल सिंह पद्मावती को उसके कक्ष में छोड़ने चला गया। राजा अचल सिंह ने मुझसे विवाह तो कर लिया है, पर लगता है अभी भी उनके सिर पर महारानी पद्मावती का जादू चढ़ा हुआ है। महाराज के ऊपर से पद्मावती का जादू उतारना ही होगा। इधर जब अचल सिंह पद्मावती के कक्ष में पहुंचा, महारानी रानी रेशमा ने मुंह दिखाए में अपनी बेहुदा मांग मनवाकर हमें आघात पहुंचा है, इसलिए अब मैं उसके कक्ष में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? रानी रेशमा ने चाहे जो कुछ भी किया हो, आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसके साथ विवाह किया है, इसलिए उसे उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। जाइए, उसके पास जाइए, सुहाग सेज पर वह अकेली बैठी होगी। नहीं महारानी, नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। अचल सिंह भट पकड़ कर बैठ गया। पद्मावती ने जब उसे बहुत समझाया, ठीक है महारानी, तुम कहती हो तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। इतना कहकर अचल सिंह पद्मावती के कक्ष से बाहर निकल गया। इसी प्रकार दिन गुजरने लगे। वचन से बंधा अचल सिंह नित्य प्रति रानी रेशमा के समक्ष महारानी पद्मावती की नथ के आर पार तीर निकालता। इतना निर्दयी हूं मैं, क्या मैं पद्मावती को इतना अपमान देने के लिए ब्याह कर रहा था? 3 माह पश्चात, महाराज, एक खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हैं। वो रेशमा, यह तो तुमने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है। इधर तुम गर्भवती हो, उधर महारानी पद्मावती भी गर्भ से है। मुझसा सौभाग्यशाली भला और कौन होगा रानी? रेशमा पर तो जैसे बिजली सी गिरी। क्या महारानी पद्मावती भी मां बनने वाली है महाराज? हाँ रानी। अब तो रेशमा चिंता में डूब गई। मैं तो यह सोच सोच कर खुश हो रही थी कि मैं ही रावल नगर पर राज करूंगी, लेकिन अब यह सब कैसे होगा? नियम के अनुसार तो बड़ी महारानी पद्मावती की संतान ही रावल नगर के राजपाट की उत्तराधिकारी होगी। उसका दिमाग सुरेंद्र का ताना माना बोलने लगा। मैंने रावल नगर के राजपाट को अपने कब्जे में करने के लिए ही तो अधेड़ अचल सिंह के साथ विवाह किया था। अब महारानी पद्मावती और अचल सिंह दोनों ही मेरी राह में अड़ंगा लगाने वाले रोड़े हैं। मुझे इन दोनों रोड़ों को ही अपनी राह में से हटाना होगा। अतः मन ही मन एक योजना बनाकर उसने अचल सिंह से कहा, महाराज, मुझे पीले महुआ का फूल चाहिए। पीले महुआ का? तुम पीले महुआ के फूल का क्या करोगी रानी? महाराज, यदि कोई गर्भवती स्त्री
अपने गर्भकाल में पीले महुआ के फूल को चबा चबा कर खा ले तो उसके कोख से सुंदर व बलिष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है। अतः मैं चाहती हूँ कि मैं पीले महुआ के फूल को खाकर सुंदर व बलिष्ठ संतान को जन्म दूं। लेकिन रानी, पीले महुआ के फूल हमने न तो आज तक देखे हैं और न ही उनके बारे में किसी से सुना है। महाराज, मैं जानती हूँ कि पीले महुआ के फूल आपको कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे रानी? महाराज, यहाँ से 500 कोस की दूरी पर जिगोरा नाम की बंदारों की एक बहुत बड़ी बस्ती है। उसी बस्ती में महुआ के 5 पेड़ हैं। उन्हीं 5 पेड़ों पर पीले महुआ के फूल खिलते हैं। 500 कोस दूर जाकर पीले महुआ के फूल तोड़ लाना तो कोई मुश्किल कार्य नहीं है रानी। मैं आज ही सैनिकों को फूल लेने के लिए बंदारों की जिगोरा बस्ती की ओर भेज देता हूँ। नहीं महाराज, सैनिकों को भेजने से काम नहीं चलेगा। पीले फूल लाने के लिए आपको बंदारों की जिगोरा बस्ती में सवा अकेले जाना होगा। यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं सवा बंदारों की बस्ती में महुआ के पीले फूल लेने जाऊंगा। एक बात और है महाराज, यहाँ रावल नगर में किसी को भी इस बात की कानो-कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि आप पीले महुआ के फूल लेने बंदारों की बस्ती में जा रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया तो पीले फूलों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है रानी, मैं किसी को भी इस विषय में नहीं बताऊंगा। अचल सिंह उसी दिन घोड़े पर चढ़ बिना किसी को कुछ बताए बंदारों की बस्ती की ओर चल दिया। अचल सिंह, तू बंदारों की बस्ती में तो जा रहा है। बंदारों की बस्ती में जा तो रहा है पर वहां से लौटकर वापस नहीं आएगा। बंदारे महुआ के पीले फूलों को किसी को भी नहीं तोड़ने देते हैं। जो भी भारी व्यक्ति उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है वे उसे गुलाम बनाकर रख लेते हैं। अब रेशमा पद्मावती के विरुद्ध योजना बनाने लगी। अचल सिंह का काटा तो दूर हुआ, अब मुझे पद्मावती को रात से उठाने के लिए कुछ करना होगा। उसी रात रेशमा पद्मावती के पास पहुंची। रानी रेशमा, तुम यहाँ? हाँ महारानी, मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। मुझे कल ही महाराज से पता चला है कि आप इन दिनों गर्भवती है। महारानी, आपके साथ साथ मैं भी इन दिनों गर्भवती हूँ। अतः मैंने सोचा इस खुशी को आपके साथ क्यों न मनाया जाए। आपका मुंह मीठा कराने के लिए मैं ये बर्फी लाई हूँ, इन्हें स्वीकार कीजिए। रानी रेशमा, तुम्हारा प्यार व स्नेह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। पद्मावती ने रेशमा से बर्फी लेकर रख ली। तत्पश्चात रानी रेशमा, महाराज आज महल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या तुम्हें उनके विषय में कुछ पता है? नहीं महारानी, मैं स्वयं महाराज को खोज रही हूँ। इतना कह रेशमा पद्मावती के पास से चली आई। पद्मावती को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि जो बर्फी मैं उसे देकर आई हूँ वह जहर भरी है। उन्हें खाते ही पद्मावती अपने गर्भस्थ शिशु के साथ मौत की गोद में समा जाएगी। इधर पद्मावती सोच रही थी, पहले स्नान कर लू तब रेशमा की बेटकी हुई बर्फी खाऊंगी। यह सोच पद्मावती स्नान करने स्नानागार में चली गई। जब वह स्नान करके पूर्ण कक्ष में वापिस लौटे वो यह क्या बिल्ली रानी रेशमा की दी हुई सारी बर्फी खा गई। अभी वह हैरान सी खड़ी यह सब सोच ही रही थी, म्याऊ म्याऊ चित्कार करते हुए बिल्ली ने ऊंची तड़ंग भरी और अगले पल पृथ्वी पर गिर कर मर गई। यह देखकर पद्मावती हतबरब रह गई। बर्फी खाते बिल्ली मर गई तो क्या बर्फी जहरीली थी? उसका मुंह भय से पीला पड़ गया। तो क्या रानी रेशमा मुझे जहरीली बर्फियां खिलाकर मारना चाहती थी? वो यदि मैं इन बर्फियों को खा लेती तो मैंने आखिर रानी रेशमा का क्या बिगाड़ा था? वह मुझे इस प्रकार क्यों मारना चाहती थी? कल ही मैं इस विषय में रानी रेशमा से पूछूंगी। दूसरे दिन प्रातः ही पद्मावती रानी रेशमा के पास पहुंचे। आश्चर्य, जहरीली बर्फियां खाकर भी पद्मावती जीवित कैसे है? रानी रेशमा, मुझे देखकर तुम चौंक क्यों गई? रेशमा ने जवाब में अकलाते हुए कहा, महारानी आपको देखकर इसलिए चौंकी थी कि आप आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आई हैं। रानी रेशमा, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कल रात जो बर्फियां तुम मुझे देकर आई थी उन्हें खाते ही हमारी पालतू बिल्ली तत्काल ही मर गई थी। वो यह कैसे हो सकता है महारानी? रानी रेशमा, यह इसलिए हुआ कि वह बर्फियां जहरीली थी। रानी, तुम मुझे विष भरी बर्फियां क्यों खिलाना चाहती थी? महारानी, मैं भला आपको विष भरी बर्फियां क्यों खिलाऊंगी? लगता है यह सब उस दासी की शरारत है जिससे मैंने बर्फियां मंगवाई थी। मैं अभी उस दासी को बुलाती हूँ। कुछ देर बाद एक दासी रेशमा और पद्मावती के सामने थी। कमला, तू महारानी के लिए विष भरी बर्फियां लाकर क्या हम दोनों बहनों के बीच घृणा फैलाना चाहती थी? तेरे इस कुकृत्य की मैं तुम्हें अवश्य सजा दूंगी। यह सुनकर दासी भय से कांप उठी। रेशमा ने जल्दी से कटार निकाली और, रानी रेशमा यह तुमने क्या किया? हाँ चाक,
दासी के घाव से रक्त का फवारा छूट पड़ा। कुछ देर तड़पने के पश्चात दासी कमला ने प्राण त्याग दिए। रानी रेशमा, यह अच्छा नहीं हुआ। महारानी, इस कर धन दासी की यही सजा थी। यदि आप भूल से उन जहरीली बर्फियों को खा लेती तो न जाने क्या हो जाता। पद्मावती खिन्न मन से वहां से वापस चली गई। दासी को मारकर मैंने पद्मावती के मन में अपने प्रति उठते संदेह का फन कुचल दिया है। इस समय ऐसा ही करना उचित था। समय आने पर मैं फिर पद्मावती के विरुद्ध कोई चाल चलूंगे। इधर राजा चल सिंह के गायब हो जाने से प्रधानमंत्री वरुण देव बहुत चिंतित थे। न जाने महाराज बिना बताए कहाँ चले गए हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पद्मावती भी अचल सिंह के प्रति चिंतित थे। महाराज आखिर गए तो गए कहाँ? कहीं वे किसी संकट में तो नहीं फंस गए हैं? जबकि दूसरी ओर रेशमा सोच रहे थे, इन मूर्खों को क्या पता राजा अचल सिंह अब जीवन भर यहाँ वापस लौट कर नहीं आने वाले हैं। कई दिन तक की अचल सिंह के लगातार खोज में सफलता हाथ लगने पर प्रधानमंत्री वरुण देव ने गुप्तचरों को बुलाकर आदेश दिया, तुम लोग चारों दिशाओं में दूर दूर तक जाकर महाराज अचल सिंह की तलाश करो। जो आज्ञा प्रधानमंत्री जी। आदेश पर गुप्तचर अचल सिंह की खोज में निकल पड़े। इधर लंबे सफर के पश्चात अचल सिंह 500 कोस दूर बंजारों की जिगोरा बस्ती के पास जा पहुंचा। वे रहे पीले महुआ के फूल। महुआ के फूल वाले महुआ के 5 पेड़। हम मुझे पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ने चाहिए। अतः अचल सिंह घोड़े से नीचे उतरा और उसे पेड़ के नीचे छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन अभी वह पीले फूलों के समीप पहुंचा ही था। हे कौन है तू? पेड़ पर चढ़ा क्यों? पेड़ पर चढ़ा क्या कर रहा है? पीले फूल की ओर बड़ा अचल सिंह का हाथ रुक गया। उसने नीचे की ओर देखा। मैं परदेशी हूँ, मुझे महुए के पीले फूल चाहिए। मैं उन्हें तोड़ने ही पेड़ पर चढ़ा हूँ। तेरी यह जरूरत, जल्दी से पेड़ के नीचे उतर जा, वरना हम सब मिलकर तेरा बदन तीरों से छलनी कर देंगे। यह धमकी सुन अचल सिंह सोच में पड़ गया। अचल सिंह, इस समय पेड़ से नीचे उतरने में ही भलाई है। तू अकेला व निहत्था है। क्या पता ये बंजारे युवक सचमुच मुझे तीरों से बांध दे। यह सोच अचल सिंह बंजारों से बोला, ठीक है, मैं नीचे आ रहा हूँ। अचल सिंह पेड़ से उतरने लगा। कुछ देर बाद वह बंजारे युवकों के सामने खड़ा था। तब एक बंजारे ने उससे कहा, तूने महुआ के पेड़ पर चढ़कर घोर अपराध किया है। परदेशी, तुझे हमारे सरदार के पास चलना होगा। चलो, मैं तैयार हूँ। बंजारे युवक उसे लेकर अपने सरदार के पास चल पड़े। बंजारे युवक उसे अपने सरदार रतिया के पास लेकर पहुंचे। हो न ये सरदार, यह आदमी महुआ के पेड़ पर चढ़कर पीले फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। यह सुनते सरदार रतिया का चेहरा गुस्से में लाल भभूका उठा। इस आदमी की इतनी हिम्मत, इसकी जुबान काट दो और इसकी नाक कान छेद कर इसे हमारा गुलाम बना दो। ओ, यह मैं कहाँ आ फंसा, अब मेरी खैर नहीं। बंजारे युवकों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। एक बंजारे युवक ने उसकी जुबान पकड़कर बाहर खींची। वार कर सिगलू। अगले पल जुबान कटते अचल सिंह के मुंह से खून की धारा फूट पड़ी। तत्पश्चात अचल सिंह के नाक कान छेदे गए। तब सरदार रतिया ने उससे कहा, तू जो कोई भी आज से हमारा गुलाम है। अगर तूने भूल कर भी बंजारों की बस्ती से भागने की कोशिश की तो बंजारे तुझे भून कर खा जाएंगे। परिस्थितियों का मारा अचल सिंह भला क्या कह सकता था। जुबान तो उसकी वैसे ही कट चुकी थी। अतः सहसा वह सरदार की ओर देखता रह गया। इधर अचल सिंह की खोज में गए गुप्तचर असफल होकर वापस रावल नगर लौट आए। क्षमा कीजिए प्रधानमंत्री जी, हमने महाराज को चारों ओर खोजा पर वे हमें कहीं भी नहीं मिले। वो अब क्या होगा? महाराज को गुम हुए पूरा एक माह हो गया है। प्रधानमंत्री वरुण देव उसी समय कुलगुरु स्वरूपानंद के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। तत्पश्चात, अब आप ही बताइए कुलगुरु कि क्या किया जाए। महाराज का कुछ पता नहीं चल रहा है और रावल नगर की राजगद्दी को अब और ज्यादा दिन खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। प्रधानमंत्री जी, रावल नगर के लिए महाराज की गुम सुदगी निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। क्योंकि महाराज के कोई संतान नहीं है, इसलिए प्रथा के अनुसार बड़ी महारानी पद्मावती को रावल नगर का नया उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। यही उचित भी है और न्याय संगत भी। ठीक है कुलगुरु, कल ऐसा ही होगा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो महारानी पद्मावती और रानी रेशमा को भी दरबार में बुलाया गया। तब कुलगुरु ने खड़े होकर दरबार में घोषणा की, उपस्थित प्रजाजनों, हमारे महाराज अचल सिंह का कोई अता पता नहीं चला है।
अतः उनके अनुपस्थिति में राजगद्दी को ज्यादा दिनों तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हम महारानी पद्मावती को राजगद्दी का नया उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। सबने सम्मिलित स्वर में कुलगुरु की बात का समर्थन किया, हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है। तब महारानी पद्मावती को राज सिंहासन पर बिठा कर उन्हें राज मुकुट पहनाया गया। यह सब देखकर रेशमा जल भूम गई थी, सोचा क्या था और क्या हो गया, यह कल मुही पद्मावती तो सिंहासन की मालकिन बन बैठी, मैं यह कभी सहन नहीं करूंगी, कभी नहीं। इधर पद्मावती ने गूंगी हुई आवाज में प्रथम बार दरबारियों व मंत्रियों को संबोधित किया, बड़े ही संकट की घड़ी में मुझे महाराज का यह पद लेना पड़ा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए मैं देश का व आप सबका ख्याल रखूंगी। राजपाट संभालने के दूसरे दिन ही महारानी पद्मावती ने प्रधानमंत्री वरुण देव को बुलाकर कहा, प्रधानमंत्री जी, मैं मालवन में स्थित अपने गुरु चिंतानंद जी के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, आप मेरा वहां जाने का प्रबंध करवा दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। उसी दिन महारानी पद्मावती रथ में बैठकर मालवन की ओर चल दी। संध्या होते होते पद्मावती का रथ महर्षि चिंतानंद जी के आश्रम के बाहर जा रुका। रथ से उतरकर पद्मावती महर्षि चिंतानंद जी के पास पहुंची। पद्मावती, तुम क्या तुम अकेली आई हो? महाराज पचल सिंह कहाँ है? पद्मावती उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बूहू, अरे यह क्या पद्मावती, तुम महारानी होते हुए भी साधारण स्त्री की तरह रो रही हो, चुप हो जाओ और मुझे अपने रोने का कारण बताओ। बड़ी मुश्किल से महर्षि के बार बार समझाने पर पद्मावती चुप हुई और सुबकते हुए महर्षि को सारी बात बताई। तत्पश्चात, गुरुदेव महाराज की अनुपस्थिति में ही मुझे रावल नगर का राजपाट संभालना पड़ा है, अब आप ही मेरा सहारा है, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं राजकाज का बोझ सुचारू रूप से संभाल सकूं, यही आशीर्वाद लेने मैं आपके पास आई हूँ। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है महारानी। सहसा पद्मावती को कुछ याद आया। गुरुदेव, एक बार आपने मुझे यह आशीर्वाद दिया था कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूंगी, क्या आपने वह आशीर्वाद झूठा दिया था? इस समय मेरा स्वाग न जाने कहाँ है, वह इस समय जीवित है भी या नहीं, कौन जाने। बताइए, आपने मुझे यह झूठा आशीर्वाद क्यों दिया था गुरुदेव? पद्मावती, तुमने अच्छा वह समयानुकूल प्रश्न पूछा है, हमारा दिया आशीर्वाद कभी भी झूठा नहीं हो सकता, तुम्हारा स्वाग निश्चय जीवित है। मैं अभी ध्यान लगाकर ज्ञात करता हूँ कि महाराज अचल सिंह इस समय कहाँ और किस अवस्था में है। महर्षि चिंतानंद उसी समय समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद समाधिस्थ अवस्था में उन्हें दिखाई दिया। गुलाम, तू जोर से प्यार क्यों नहीं दबाता, क्या तेरे हाथों में दम नहीं है? अगले पल महर्षि ने घबरा कर आंखें खोल दी। ओ रावल नगर के राजा की यह हालत क्या हुआ गुरुदेव, क्या महाराज के विषय में कुछ ज्ञात हुआ? महारानी, मुझे सब कुछ ज्ञात हो चुका है, मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारे परिवार पर यह संकट की घड़ी क्यों आई है, तो बताइए गुरुदेव, मुझे जल्दी से सब कुछ बताइए। तो सुनो पद्मावती, सारे झगड़े की जड़ बंधारण रेशमा है, उसी के कारण तुम पर वह महाराज पर यह विपदा आई है। क्या? हाँ पद्मावती, बंधारण रेशमा बहुत ही चालाक व दुष्ट प्रवृत्ति की स्त्री है, वह बंधारों के सरदार रतिया की बेटी है, उसी रतिया के यहाँ महाराज आजकल गुंगे होकर गुलाम का जीवन बिता रहे हैं। है, महाराज गुलाम बने हुए हैं? हाँ महारानी रानी रेशमा ने महाराज को पीले महुआ के फूल लाने के लिए 500 कोस दूर बंजारों की जिगोरा बस्ती में भेजा था। फूल तोड़ने की कोशिश करते समय महाराज को बंजारों ने पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन गुरुदेव रानी रेशमा ने महाराज को पीले महुआ के फूल लाने के लिए बंजारों की बस्ती में क्यों भेजा था? महारानी, मैंने कहा ना, बंजारन रेशमा बहुत ही चालाक व दुष्ट प्रवृत्ति की है, उसे पता था कि बंजारे महाराज को कभी भी महुआ के पीले फूल न तोड़ने देंगे और उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे, उन्हें वहां भेजकर उसने महाराज को अपने रास्ते से हटाया था। मौका देखकर तुम्हें भी अपनी राह से हटा देगी और तब वह रावल नगर की एकमात्र स्वामी बनकर रावल नगर पर राज करेगी। रानी रेशमा ऐसा कर सकती है गुरुदेव? महारानी पद्मावती, तुम बहुत बोली हो, रेशमा तुम्हें मारने का एक बार असफल षड्यंत्र रच भी चुकी है क्या? तब महर्षि ने पद्मावती को जहरीली बर्फियों व बिल्ली की मृत्यु के बारे में बताया सारी बात जानकर। तो वह जहरीली बर्फियां दासी नहीं बल्कि रेशमा जानबूझकर मुझे खिलाने लाए थे? हाँ महारानी। गुरुदेव, आखिर रेशमा की मुझसे वह महाराज से
आखिर रेशमा को मुझसे वह महाराज से क्या बैर था जो उसने हमें इस प्रकार अपने कुचक्र में फंसाया। महारानी दरअसल बंदारन रेशमा पतन थी महत्वकांक्षी स्त्री है और अति महत्वकांक्षी होने के कारण ही वह जयदेव नाम के एक सौदागर के साथ बंदारों का कबीला छोड़कर भाग आए थे। भाग के समय वह कुछ स्वर्णाभूषण लेकर आए थे। जयदेव सौदागर ने कुछ दिन पत्नी बनाकर उसे अपने पास रखा, फिर उसके स्वर्णाभूषण छीन कर उसे त्याग दिया। तब रेशमा भूखी प्यासी वन मन भटकने लगी। अपने कबीले में तो वह वापस जा नहीं सकती थी, सो इधर उधर भटकने लगी। इसी दौरान वन में महाराज अजल सिंह से उसकी भेंट हुई। महाराज उसके रूप सौंदर्य से मुग्ध उठे और तत्काल उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख बैठे, जिसे रेशमा ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया और वह रानी बनकर रावल नगर आ गई। ऐसी सुविधाओं में पली बड़ी रेशमा ने जब महल की सुख सुविधाएं देखी तो वह बोरा उठी और रावल नगर पर अपना सिर्फ अपना अधिकार देखने के सपने देखने लगी। इसलिए उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। गुरुदेव, तो क्या रेशमा वास्तव में ही अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएगी? क्या महाराज को बंदारों की कैद से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय नहीं है? क्या रेशमा रावल नगर की सुमावनी बन जाएगी? नहीं पद्मावती, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सुनो पद्मावती, मैं तुम्हें अमृत जल दूंगा। उस अमृत जल से महाराज की कटी हुई जुबान पूर्ण ठीक हो सकती है। तुम उस अमृत जल को लेकर बंदारों की बस्ती में जाना, कहकर महर्षि पद्मावती को अपनी योजना समझाने लगे। महारानी पद्मावती को अपनी योजना समझाने के पश्चात महर्षि चिंतानंद ने जल लेकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। तत्पश्चात माँ भवानी महिषासुर मर्दिनी सहाय कर। अगले पल वहां एक हष्टपुष्ट सफेद घोड़ा उपस्थित था। महारानी, इस घोड़े पर बैठ जाओ। मंत्रों द्वारा पैदा किया यह घोड़ा कुछ ही पलों में तुम्हें 500 कोस दूरी पर स्थित बंजारों की जिंगोरा बस्ती में पहुंचा देगा। ओ गुरुदेव, आपने यह घोड़ा उत्पन्न करके मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। तब महर्षि चिंतानंद जी का आशीर्वाद व अमृत जल ले सैनिकों की टुकड़ी व रथ को वहां से रावल नगर के लिए विदा कर पद्मावती घोड़े पर बैठ जिगोरा बस्ती की ओर चल दी। कुछ ही पलों में सफेद घोड़ा 500 कोस दूरी पर स्थित बंजारों की जिगोरा बस्ती के पास जा पहुंचा। तो महाराज इसी बस्ती में कैद है? पद्मावती घोड़े पर बैठी यह सब सोच ही रही थी कि कुछ बंजारों ने उसके घोड़े को घेर लिया। ये कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, तुम्हें इससे क्या? चलो हमसे जुबान लड़ाती है, चल घोड़े से उतर, तुझे हमारे सरदार के सामने चलना पड़ेगा। ये मूर्ख क्या जाने कि मैं तो सवे सरदार रतिया से मिलने को उत्सुक हूं। घोड़े से उतर वह अमृत जल साथ ले पद्मावती बंजारों के साथ बस्ती की ओर चल दी। बंजारे उसे लेकर सरदार रतिया के पास पहुंचे। कौन हो तुम? सरदार, मैं तुम्हें अपना परिचय अभी नहीं दूंगी, मैं तुम्हें एकांत में कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। महत्वपूर्ण बात? हाँ सरदार, वह महत्वपूर्ण बात एकांत में ही बताने वाली है। तब सरदार रतिया ने बंजारों से कहा, तुम सब कुछ देर के लिए झोपड़ी से बाहर चले जाओ। जो तुम सरदार। सभी बंजारे उसी समय झोपड़ी से बाहर निकल गए। तत्पश्चात सरदार रतिया ने पद्मावती से कहा, अब बताओ तुम मुझे कौन सी महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हो? सरदार, तुम्हारी एक लड़की थी ना जो कुछ समय पहले एक सौदागर के साथ भाग गई थी। तुम सामली की बात कर रही हो? हाँ, मैं उसी सामली की बात कर रही हूँ, लेकिन अब वह सामली नहीं रेशमा है। तुम जानते हो वह इस समय कहाँ है? हाँ सरदार। तो जल्दी बताओ वह इस समय कहाँ है? उसने उस सौदागर के साथ भाग कर रमबंदारों की नाक काट दी है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। सरदार, कुछ भी, आखिर वह आपकी बेटी है, मैं आपको उसके विषय में बताऊंगी भी और तुम्हें उसके पास भी ले चलूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे दो शर्त माननी होंगी, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के पास ले जाऊंगी। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? कुछ दिन पहले तुमने पीले महुआ के फूल तोड़ते हुए एक आदमी को पकड़कर अपना गुलाम बनाया था, उसे तुम्हें छोड़ना होगा, लेकिन क्यों? मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा। अब दूसरी शर्त बताओ। सरदार, सामली अच्छी है या बुरी? तुम्हारी बेटी है, उसे तुम जान से नहीं मारोगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। पुत्री की ममता के कारण सरदार ने पद्मावती की दूसरी शर्त भी मान ली। तब पद्मावती ने सरदार से कहा, सरदार, अब तुम मुझे अपने उस गुलाम के पास ले चलो जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। सरदार उसे वहां ले गया जहां गुलाम बना गुंगा अचल सिंह कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था और राजसी सुख वैभव में पले बड़े।
महाराज की यह कैसी दशा हो गई है। पद्मावती जब लकड़ी काट के अचल सिंह के पास पहुंची तो अचल सिंह हक्का बक्का रह गया। ओ महारानी, यहाँ तो क्या महारानी भी बंदारों के जाल में फंस गई है। पद्मावती ने पुष्प साते हुए अचल सिंह से कहा, महाराज से कितना हुई है, मैं आपको बंदारों की कैद से छुड़ाने आई हूँ। सुनकर अचल सिंह की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। तब पद्मावती के कहने पर सरदार रतिया और अचल सिंह पद्मावती के साथ उसके सफेद घोड़े पर बैठ गए। घोड़ा पूर्ण वेग से रावल नगर की ओर दौड़ चला। इधर रावल नगर में रानी रेशमा सोच रही थी, महारानी पद्मावती जैसे ही महर्षि चिंतानंद के आश्रम से वापस लौटेगी, मैं उसके खाने में यह जहर की पुड़िया मिला दूंगी। जहर भरे खाने को खाकर पद्मावती पल भर में स्वर्ग सिधार जाएगी। कुछ पलों में सफेद घोड़े ने तीनों को रावल नगर पहुंचा दिया। आइए सरदार, अब मैं आपको आपकी बेटी के पास ले चलूं। पद्मावती सरदार तथा अचल सिंह के साथ महल के अंदर की ओर चल पड़ी। पद्मावती जब रानी रेशमा के कक्ष के बाहर पहुंचे, ओ महाराज पद्मावती तो मेरे पिता वे गुलाम ओ महारानी पद्मावती तो मेरे पिता वे एक गुलाम के साथ मेरे कक्ष की ओर आ रही हैं। लगता पद्मावती को मेरे विषय में सब कुछ पता चल गया है। मेरे पिता तो मुझे देखते ही जान से मार देंगे। अब मेरा खेल खत्म हुआ। इससे पहले कि उस सबके सामने मेरे पिता मुझे अपमानित करके मौत के घाट उतारे, मुझे स्वयं मौत को गले लगा लेना चाहिए। रेशमा ने तुरंत आंचल में बंधी जहर की पुड़िया खोली और उसने सारा जहर फांक लिया। इधर कक्ष के बाहर खड़ी पद्मावती सरदार से कह रही थी, सरदार तुम्हारी बेटी सामले इसी कक्ष में है। इस कक्ष में सामले तो सौदागर के साथ भागी थी, फिर वह इस महल में क्या कर रही है? सरदार अब वह इस देश के राजा अचल सिंह की रानी है। क्या? तब पद्मावती ने अचल सिंह व सरदार के साथ कक्ष में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही रेशमा, यह क्या रेशमा तो परस्पर पड़ी तड़प रही है, सामली मेरी बेटी। सरदार ने दौड़कर सामली का सिर अपने गोद में रख लिया। बेटी तुझे क्या हुआ है? बापू मैंने तुम्हें वह महाराज अचल सिंह को बहुत दुख दिए हैं। आज मैंने अपने गुनाह कबूल करते हुए जहर खा लिया है, मुझे माफ कर दो। अगले पल रेशमा की आंखें पथरा गई। तब सरदार रेशमा के सब पर गिर कर फूट फूट कर रो पड़ा। बूहू। अब पद्मावती ने महर्षि चिंतानंद का दिया हुआ अमृत जल अचल सिंह के ऊपर छिड़का। अमृत जल के प्रभाव से अचल सिंह पूर्व अवस्था में आ गया। रानी रेशमा तुमने यह क्या किया? अपने साथ साथ अपने गर्भस्थ शिशु को भी मार डाला। महाराज दुखी ना होइए, रानी रेशमा गर्भवती नहीं थी। क्या? हाँ महाराज, महर्षि चिंतानंद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रानी रेशमा ने आपसे झूठ बोला था। तब पद्मावती ने अचल सिंह को विस्तार पूर्वक सब कुछ बताया। तत्पश्चात अचल सिंह ने विधि विधान के साथ रेशमा का अंतिम संस्कार किया और सरदार रतिया अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में भाग लेकर दुखी हृदय से वापस अपनी बस्ती लौट गया। समाप्त। दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी